गुड मॉर्निंग एवरीवन, वंस अगेन आई वेलकम वन एंड ऑल इन माय यूट्यूब चैनल द बायोलॉजी गुरु। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी दोस्तों को बिलेटेड हैप्पी दीपावली। कल ही दीपावली बीता है और आज मैं एक नए वीडियो के साथ फिर से आपके सामने हूँ। चैनल में वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई रिक्वेस्ट एवरीवन काइंडली लाइक सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन एंड कॉमेंट इन द एंड मैंसन इन कॉमेंट सेक्शन कि अगले वीडियो में आपको कौन सा टॉपिक पे वीडियो आप चाहते हो। सो इन टूडेज वीडियो वी हैव पिक्ड द टॉपिक मेगा स्पोरोजेनेसिस एंड एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट और फॉर्मेशन। ये रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट उस टॉपिक उस चैप्टर से लिया गया है। और हम जानते हैं कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होते हैं दे आर द ओनली ग्रुप ऑफ प्लांट्स इन द होल प्लांट किंगडम हु हैव क्लोज्ड सीडेड प्लांट्स एंड दे ऑल्सो हैव फ्लावर्स एक्सेप्ट एम्ब्रियो एंजियोस्पर्म। ऑल अदर प्लांट ग्रुप्स आर नॉन फ्लावरिंग विच इंक्लूड्स थैलोफाइटा दैट इज एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एक्सेट्रा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मेगा स्पोरोजेनेसिस होता क्या है? अगर हम इस वर्ड को स्प्लिट करते हैं तो लास्ट में जो जेनेसिस आता है इसका मतलब होता है ऑरिजिन और फॉर्मेशन। एंड द फर्स्ट वर्ड इज मेगा स्पोर, हैंस द डिफिनेशन इज ऑरिजिन और फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम डिप्लॉइड मेगा स्पोर मदर सेल इज नॉन एज मेगा स्पोरोजेनेसिस। यही मैंने यहाँ डिफिनेशन में भी लिखा है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम डिप्लॉइड मेगा स्पोर मदर सेल विच लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक ऑल्सो नॉन एज फीमेल गैमेटोफाइट। तो जिस प्रोसेस से फंक्शनल मेगा स्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉइड होती है वो जिस डिवीजन से अपने आप को डिवाइड कर कर चार मेगा स्पोर बनाती है और देन मेगा स्पोर जो होते हैं अल्टीमेटली एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप होते हैं। सो रिमेंबर द डिफिनेशन ऑफ मेगा स्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम फंक्शनल मेगा स्पोर मदर सेल इज नॉन एज मेगा स्पोरोजेनेसिस। अगर कोई पूछेगा आपसे कि व्हाट इज द नेट ऑब्जेक्टिव ऑफ मेगा स्पोरोजेनेसिस, ऑब्जेक्टिव क्या होता है मेगा स्पोरोजेनेसिस का, देन द प्राइमरी एम और ऑब्जेक्टिव ऑफ मेगा स्पोरोजेनेसिस इज द डेवलपमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक ऑल्सो नॉन एज फीमेल गैमेटोफाइट। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो होता है फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक बनाने का। मूविंग फर्दर, मेगा स्पोर मदर सेल जो होती है विच इज डिप्लॉयड, यहां पर मेंशन किया हुआ है MMC अंडरगोज मियोसिस डिवीजन। नाउ माय फ्रेंड्स रिमेंबर दिस, मियोसिस इज आल्सो नॉन एज रिडक्शनल डिवीजन एंड इट्स कंप्लीट इन टू फेजेस दैट इज मियोसिस वन एंड मियोसिस टू। अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, MMC जो होती है MMC डिप्लॉइड सेल अंडरगोज मियोसिस डिवीजन दैट इज मियोसिस वन एंड मियोसिस टू टू फॉर्म ए लीनियर टेट्राड ऑफ फोर मेगा स्पोर। जब मेगा स्पोर मदर सेल में जब मियोसिस डिवीजन होती है मियोसिस वन मियोसिस टू तो उसके रिजल्ट के कारण एक टेट्राड बनती है, लीनियर टेट्राड बनती है जिसमें कि चार मेगा स्पोर होते हैं। नाउ there is one thing which you need to remember, which you need to keep in mind, out of 4 mega spore, जो 4 mega spore बनती है after the mega sporogenesis, तो out of the 4 only one remains functional and that one remains towards the chalazal pole। तो एक हमारी होती है मेगा स्पोर जो कि चैलजल पोल की तरफ होती है, केवल वहीं फंक्शनल रहती है। उसको अगर छोड़ दें तो बाकी के तीन जो होते हैं उसके नीचे दे विल डीजेनरेट एंड दे लाइट टुवार्ड्स द माइक्रोफाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक। तो इसे याद रखना है कि जो चार मेगा स्पोर बनती है इन द लीनियर टेट्राड आउट ऑफ फोर ओनली वन रिमेंस फंक्शनल और वो किस तरफ रहता है टुवार्ड्स द चैलजल पोल एंड अदर थ्री दे विल डीजेनरेट एंड दे रिमेन लाइट टुवार्ड्स द माइक्रोपाइलर पोल और माइक्रोपाइलर एंड। सो दिस इज द बेसिक्स ऑफ द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ ए सिंपल डायग्राम। नाउ दिस वन इज रेफर्ड एज मेगा स्पोर मदर सेल MMC विच इज डिप्लॉयड
यहाँ पर लिखा हुआ है डिप्लॉयड मीन्स कि इट हैज डबल सेट ऑफ क्रोमोजोम, सो दिस एमएमसी इट विल अंडरगो मियोसिस वन, रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर डायड। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक मेगा स्पोर मदर सेल थी जिसमें कि मियोसिस वन हुआ और जो हमारा अगला स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज नॉन एज मेगा स्पोर डायड एंड आफ्टर दैट मेगा स्पोर डायड अंडरगोज मियोसिस टू एंड आफ्टर मियोसिस टू मेगा स्पोर डायड फॉर्म्स मेगा स्पोर टेट्राड। ऑल द सेल्स ऑफ द टेट्राड आर हैप्लॉइड इन नेचर। वाई हैप्लॉइड? बिकॉज हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि एमएमसी जो होती है वो मियोसिस से डिवाइड करती है, मियोसिस इज नॉन एज रिडक्शनल डिविजन, हैंस द नंबर ऑफ क्रोमोजोम रिड्यूसेस फ्रॉम टू एन स्टेट टू एन स्टेट। एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ, मेगा स्पोर मदर सेल जो होती है डिप्लॉयड होती है, इसमें सबसे पहले आपका मियोसिस वन होगा, मियोसिस वन होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज नॉन एज मेगा स्पोर डायड, मेगा स्पोर डायड जो होती है फिर से डिवाइड करती है मियोसिस टू से और जो हमारा नेट रिजल्ट बनता है नेट स्ट्रक्चर बनता है दैट इज नॉन एज मेगा स्पोर टेट्राड। टेट्राड मीन्स फोर, तो यहाँ पर चार मेगा स्पोर बनती है बट द फैक्ट इज आउट ऑफ फोर ओनली वन रिमेन्स फंक्शनल टुवार्ड्स द चलजल पोल एंड अदर थ्री दे विल डीजेनरेट टुवार्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड। सो दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द मेगा स्पोरोजेनेसिस। लेट मी जस्ट क्लियर द बोर्ड, मैं इसे इरेज कर लेता हूं। मैं भी लिखते चला जा रहा हूं, आप लोग साथ में इसे फॉलो करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, हम लोग अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस से ही। अभी तक हमने देखा कि मेगा स्पोरोजेनेसिस के बाद चार टेट्राड बनती है, लीनियर टेट्राड बनती है जिसमें कि एक ही फंक्शनल मेगा स्पोर होता है। बट हियर वी हैव अनदर फैक्ट, स्ट्रासबर्गर नेम ऑफ द साइंटिस्ट, स्ट्रासबर्गर इन 1950 क्लासिफाइड एम्ब्रियो सैक ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेगा स्पोर, नंबर ऑफ मेगा स्पोर पार्टिसिपेटिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक। इसका मतलब कि अभी हमने पढ़ा था कि चार बनती है, चार टेट्राड में चार होते थे, चार मेगा स्पोर बनते हैं, अब उन चारों में से कितने मेगा स्पोर पार्टिसिपेट करेंगे एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन में। ऑन दैट बेसिस वी हैव थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट। द फर्स्ट वन इज नॉन एज मोनोस्पोरिक, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक, ओनली वन मेगा स्पोर। दैट मीन्स इन द डेवलपमेंट ऑफ मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक ओनली वन मेगा स्पोर पार्टिसिपेट्स। एग्जाम्पल ऑइनोथेरा एंड पॉलीगोनम, दीज आर टू क्लासिकल एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मोनोस्पोरिक, मोनो वर्ड जो होता है इसका मतलब होता है वन, दैट मीन्स कि जिस एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट में केवल एक ही फंक्शनल मेगा स्पोर होगी उसे हम क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। एग्जाम्पल्स आर ऑइनोथेरा एंड पॉलीगोनम। सेकेंड एग्जाम्पल इज बाई स्पोरिक,
एम्ब्रियो सैक, टू मेगा स्पोर रिमेन्स फंक्शनल ओवर हेयर। दूसरे केस में जब हम बाईस्पोरिक एम्ब्रियो सैक की बात करते हैं तो बाई मीन्स होता है टू, दैट मीन्स कि वेन टू मेगा स्पोर पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक, दैट काइंड ऑफ एम्ब्रियो सैक इज नोन एज बाईस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। एग्जाम्पल इज एलियम एंड इंडीमायोन। मैं तीनों ही फिर से रिपीट करूंगा, अभी हम लोग साथ में बढ़ते चलते हैं। एंड द थर्ड टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक इज टेट्रा स्पोरिक एम्ब्रियो सैक, दैट मीन्स फोर फंक्शनल मेगा स्पोर। तो जब चारों मेगा स्पोर फंक्शनल होते हैं तो वहां पर जो एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट होती है उसे हम बोलते हैं टेट्रा स्पोरिक एम्ब्रियो सैक। एंड एग्जाम्पल इज एडॉक्सा। नाउ लेट मी जस्ट रिपीट इट फॉर योर कन्वीनियंस। स्ट्रासबर्गर 1950 ईस्वी में स्ट्रासबर्गर ने एम्ब्रियो सैक को ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेगा स्पोर पार्टिसिपेट करने के हिसाब से थ्री टाइप्स में डिवाइड किया था। अगेन नेम ऑफ द साइंटिस्ट कीप इट इन माइंड, स्ट्रासबर्गर, ईयर इज 1950, क्लासिफाइड एम्ब्रियो सैक इंटू थ्री टाइप्स। द फर्स्ट वन इज मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। एज आई ऑलरेडी टोल्ड, मोनो मीन्स वन, दैट मीन्स ओनली वन मेगा स्पोर रिमेन्स फंक्शनल। एग्जाम्पल इज इनोथेरा एंड पॉलीगोनम। अदर वन इज बाईस्पोरिक एम्ब्रियो सैक, ओनली टू मेगा स्पोर रिमेन्स फंक्शनल। एग्जाम्पल एलियम एंड इंडीमायोन। एंड द थर्ड वन इज टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक, जहाँ पर कि चारों के चारों मेगा स्पोर जो होते हैं फंक्शनल होते हैं। एग्जाम्पल इज एडॉक्सा। अनदर एग्जाम्पल इज प्लम्बेगो। सो मुझे थोड़ा सा बोर्ड को मिटा लेने दें, तब हम चलते हैं एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट की ओर, जो हमारा अंतिम टॉपिक है इसी का। मेगा स्पोरोजेनेसिस हो चुकी है, टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सैक हमने पढ़ा कि देर आर थ्री टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट। द फर्स्ट वन इज मोनोस्पोरिक, द सेकेंड वन इज बाईस्पोरिक एंड द थर्ड वन इज टेट्रा स्पोरिक। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट। अभी तक हमने देखा कि हमारी मेगा स्पोर बनकर तैयार हुई है, लेकिन उस मेगा स्पोर से एम्ब्रियो सैक कैसे डेवलप होता है उसे अब हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट थिंग, द मेगा स्पोर न्यूक्लियाई अंडरगो थ्री माइटोटिक डिविजन्स। विच leads to two nucleate, four nucleate and eight nucleated structure। तो सबसे पहले यह चीज ध्यान रखनी है कि मेगा स्पोर बनने में, मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर बनने में जिस डिवीजन की जरूरत होती है, दैट डिवीजन इज नॉन एज मियोसिस और रिडक्शनल डिवीजन। लेकिन फंक्शनल मेगा स्पोर से एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट, उसमें जिस डिवीजन की जरूरत होती है दैट इज द माइटोसिस डिवीजन। एंड द नंबर ऑफ माइटोसिस डिवीजन इज थ्री।
तो जो हमारी फंक्शनल मेगा स्पोर मदर सेल होती है उसका जो न्यूक्लियस होता है, दैट न्यूक्लियस विल अंडरगो 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिविजन्स रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 न्यूक्लिएट, आफ्टर दैट 4 न्यूक्लिएट एंड आफ्टर दैट 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। ऑल डिविजन्स आर फ्री न्यूक्लियर। फ्री न्यूक्लियर मीन्स जब एक सेल डिवाइड होकर 2 बनाएगी और 2 से जब 4 और 4 से जब 8 बनेगा तो वहां पर साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है, ठीक है। देन अरेंजमेंट ऑफ 8 न्यूक्लियाई इन द एम्ब्रियो सैक, इसे याद रखने की बात है, एम्ब्रियो सैक इज एट न्यूक्लिएटेड बट 7 सेल्ड स्ट्रक्चर। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एम्ब्रियो सैक जो होती है वो ओवरऑल 8 न्यूक्लिएटेड होती है बट द नंबर ऑफ सेल इन द एम्ब्रियो सैक इज ओनली 7। तो इसे याद रखना है कि एम्ब्रियो सैक इज 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड स्ट्रक्चर। नाउ लेट्स गो थ्रू ऑल द न्यूक्लियस। सो देर आर 3 एंटीपोडल सेल्स, 3 एंटीपोडल सेल्स विच आर हैप्लॉइड टुवार्ड्स चैलेजल पोल। देन वी हैव वन सेंट्रल सेल हैविंग 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड देन वी हैव एग apparatus which contains 2 synergids plus 1 egg cell. So this is the overall arrangement of all the 8 nucleus inside the embryo sac. तो हम जब डायग्राम इसका बनाएंगे तो हम लोग अच्छे से देखेंगे भी कि embryo sac बनने के बाद उसमें जो 8 nucleus होते हैं वो कैसे कैसे arrange होते हैं। तो सबसे पहले towards the chalazal pole 3 nucleus they will arrange and they will form 3 antipodal cells which are haploid in नेचर। देन वी हैव वन सेंट्रल सेल, यहाँ पर एक बात और याद रखनी है कि सेंट्रल सेल इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ द एम्ब्रियो सैक और इसके अंदर कितने न्यूक्लियस होते हैं, इट कंटेंस 2 पोलर न्यूक्लियाई। देन वी हैव एग अपरेटस विच कंटेंस 2 सिनर्जिड्स एंड साथ ही साथ इट कंटेंस 1 एग सेल और ओवम। सो वी कैन काउंट द नंबर ऑफ सेल, देर आर 3 एंटीपोडल 3, देन वी हैव 1 4, then we have 3 over here, hence it is 7 celled structure. But if you count the number of nuclei, over here we have 3 nuclei in 3 antipodal cell, then we have 3 nuclei in the egg apparatus, 3 plus 3 6, and at last one central cell contains 2 polar nuclei, hence the total is 3 plus 3 plus 2 equal to 8. Let's take a look on the diagram of functional megaspore. इसको हम एक flowchart की हेल्प से देखते हैं ताकि समझना थोड़ा आसान हो जाए कि embryo sac development होती कैसे है. So suppose this is the functional megaspore which is हैप्लॉइड इन नेचर। तो सबसे पहले क्या लेंगे, हम लोग एक फंक्शनल मेगा स्पोर लेंगे। दिस फंक्शनल मेगा स्पोर विल अंडरगो फर्स्ट माइटोसिस एंड इट विल फॉर्म 2 सेल्ड स्ट्रक्चर, देन इट विल अंडरगो सेकेंड माइटोसिस टू फॉर्म
four celled structure and then it undergo third mitosis to form eight nucleated structure. अब यहाँ पर ध्यान देना है, सबसे पहले वी हैव टेकन द फंक्शनल मेगास्पोर। तो यहाँ पर देख रहे हैं फंक्शनल मेगास्पोर है, इसका नेचर कैसा होता है, ये हैप्लॉइड होती है क्योंकि ये मियोसिस डिवीजन से बनी होती है। साथ ही साथ इस फंक्शनल मेगास्पोर में सबसे पहले एक माइटोसिस होगा, उस माइटोसिस से नंबर ऑफ सेल बढ़कर, नंबर ऑफ न्यूक्लियस बढ़कर कितने हो जाएंगे, टू न्यूक्लियस। देन अगेन द टू न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर अंडरगोज सेकेंड माइटोसिस टू फॉर्म फोर न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर एंड अगेन इट विल अंडरगो थर्ड माइटोसिस टू फॉर्म एट न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। सो लेट्स टेक ए लुक कि हाउ दिज एट न्यूक्लियाई विल रीअरेंज इन द फॉर्मेशन ऑफ फंक्शनल एम्ब्रियो सैक। बायोलॉजी में डायग्राम्स का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है, इसलिए जब भी आप बायोलॉजी पढ़ने की कोशिश करें तो ट्राई टू ग्रेस्प द कॉन्सेप्ट ऑफ डायग्राम मोर एज कंपेयर टू द लिटरेचर पार्ट। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ फीमेल एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट। सो ओवर हियर वी हैव द चैलेजल एंड एंड ओवर हियर वी हैव माइक्रो पाइलर एंड। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप, दीज थ्री सेल्स फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड दीज आर नोन एज एंटीपोडल सेल। देन वी हैव द वन लार्ज सेंट्रल सेल, मैटर ऑफ फैक्ट इट इज द लार्जेस्ट सेंट्रल सेल। देन वी हैव टू पोलर न्यूक्लियाई, देन वी हैव ओवम and then we have synergids. Ovum and synergids collectively they are known as egg apparatus. So let me again start from the beginning so that you can grasp the topic easily. ये आपका सार हो जाएगा कि कैसे होता है, हाउ द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक टेक्स प्लेस। तो इन द अर्लियर फेज वी हैव सीन हाउ मेगास्पोर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। सो वी स्टार्ट फ्रॉम हियर द फंक्शनल मेगास्पोर। फंक्शनल मेगास्पोर अंडरगोज माइटोसिस वन, देन इट फॉर्म्स टू न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, दिस टू न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर अंडरगोज सेकेंड माइटोसिस एंड अगेन इट विल फॉर्म फोर न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर विच अंडरगोज थर्ड माइटोसिस टू फॉर्म एट न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। तो यहाँ तक हमारी क्या हो गई, एट न्यूक्लियस बनकर तैयार हुई है। नाउ दिज एट न्यूक्लियाई दे विल रीअरेंज टू फॉर्म द फंक्शनल फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक। तो इसमें ध्यान देना है कि आउट ऑफ द एट थ्री न्यूक्लियाई टुवर्ड्स द चैलेजल एंड दे विल फॉर्म एंटीपोडल सेल। The first thing, second, the one large cell, the largest cell of the embryo sac is known as central cell. Central cell contains two polar nuclei.
got it? Two polar nuclei, then we have egg apparatus towards the micropylar end, egg apparatus. In the egg apparatus, we have two synergids and one ovum. अब यहाँ पर हमें याद रखना है कि synergids जो होते हैं, we also call it cooperative cells or helper cells and they contains filiform apparatus. अगर कोई पूछेगा आपसे कि what is the function of synergids, तो synergids help in the movement of pollen tube towards the micropylar micropylar end and they secrete some chemotropic substance which initiates the pollen tube movement. So friends, I hope कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी and you got the concept of megasporogenesis. अगले वीडियो में हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को कवर करने की कोशिश करेंगे. I once again request and urge everyone कि वीडियो के अंत में kindly लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कि अगली आपको वीडियो जो है किस टॉपिक में चाहिए. थैंक यू एंड हैव ए लवली डे. गुड बाय.